सहारनपुर के कलेक्टरेट पहुंचे ग्राम संभलहेरी निवासी एक पीड़ित परिवार ने बेटे के हत्या आरोपियों पर की कार्रवाई की मांग। पीड़ित परिवार का आरोप था कि उनके बेटे शिवकुमार की हत्या तीन लोगों द्वारा पैसा न लौटाने के कारण की गई है। आरोपियों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमारी मांग है कि हत्या आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जब तक उक्त मामले में कार्रवाई नहीं होती तब तक वह धरने पर ही बैठे रहेंगे। मार मार का काम करवाओ था, डरा रखा था बहुत ज्यादा। अब क्या तो मेरा काम करा नहीं, तुझे खत्म करेंगे हम। हाँ जी, और क्या कहा, हमने जो मने करी मैं जो पैसा ना दियो, हमारे तो चोरे चोरे पैसे दे रहे थे वो समा लगने के मारो। पैसे किसको देते थे? उसे ही देते। हाँ जी, हाँ जी, शिव कुमार उसका कर्ज बंद बना बना रहे थे वहाँ। क्या नाम है लड़के का? शिव कुमार। क्या चाहते हो? हमारा इंसाफ चाहिए जी। थाने में कोई रास्ता नहीं दे रहा जी। हम क्या रहे आज है? पुलिस भी हमारे एक दो दिन का टाइम दे, कल को आज रुक जाओ, कल को रुक जाओ, हम जिस टाइम के जा जाने के जी। हमें तो नहीं पता दिया, हमें तो पता ही नहीं है कुछ भी। वो जंगल में से डेड बॉडी जंगल में से मिली है और उसके बाद भी अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम क्या रहे कि ये हमने मुलजिम पहचान लिए, हम जानते हैं मुलजिमों को। मैं मुलजिम जो है कई बार जो है घर पर आके धमकी दे चुके, रिश्तेदारियों में भी आके धमकी दे चुके। तो आज तक अभी तक मतलब जो है पुलिस जो है मुझे ये नहीं पता, वो सुबह को बुलाते हैं शाम को छोड़ देते हैं। क्या लगता है आपको, पुलिस की मिली भगत है? क्या पुलिस की मिली भगत है? और पुलिस जो है सरकार। सहारनपुर भूतेश्वर मंदिर के सामने स्थित SBBA इंटर कॉलेज में फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन पंडित योगेश जिज्ञासु ने फीता काट कर किया। भारी गर्मी के बावजूद इस रक्तदान शिविर में नगर की महिलाओं एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर में 125 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तदान शिविर में अभिषेक ढाका, डॉक्टर दिनेश वर्मा, सोनिया कपूर, निशा गर्ग, नवनीत जैन, अर्जुन शर्मा, ईशांत भाटिया, तरुण भोला, पंकज पांचाल, राहुल गौतम, रूपक सेठ, शिवांग, हिमांशु, मुनेश, श्रीराम, दिव्यांशु, अमित, शिवम छाबड़ा आदि ने भाग लिया। और यहाँ पर आज हम लोगों ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। ये आज FBD संस्था पिछले 10 वर्षों से अपना रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रही है, जिसमें हमने नए नए मुकाम हासिल किए हैं। आज का भी हम लोगों ने यही सोच के लगाया है, ये हमारे एक ग्रुप मेंबर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जन्मदिन। और आज मंगलवार का दिन इसलिए ही चूज़ किया गया है ताकि आसपास के जो लोग हैं, सारे बिजनेसमैन हैं, वो आकर अपना सहयोग कर सके इसमें। और हमारे कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान हो और हमारे शहर में कभी भी रक्त की कमी ना आए। सहारनपुर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष मोहम्मद राशिद के नेतृत्व में कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मूवी हम दो हमारे 12 का विरोध करते हुए एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मोहम्मद राशिद का कहना था कि फिल्म के ट्रेलर में मुस्लिम महिलाओं के प्रति काफी जुल्म दिखाया गया है। कुरान की आयत को तोड़ मरोड़कर एक समुदाय को निशाना बनाया गया है, जिसके विरोध में भारत सरकार से मूवी को बैन करने की मांग की गई। ये मामला है, ये एक फिल्म नफरती भरी फिल्म बनाई गई एक तबके के खिलाफ, जिसके अंदर बताया गया हम दो हमारे 12। ये एक कुरान और हदीस, कुरान की आयत को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, जिसके हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो आने वाली फिल्म है, हम चाहते हैं कि इस फिल्म को बैन किया जाए, इसे लागू ना एक सिनेमा घरों में अंदर लागू ना किया जाए। हम प्रशासन से और सरकार से भी यही मांग करते हैं कि इसका इसे बिल्कुल भी लागू ना करने दिया जाए, नहीं तो हम कानूनी तरीके से जो भी हमारा संवैधानिक तरीका होगा उस संवैधानिक तरीके को लेकर के हम सड़कों पर उतरेंगे इसके खिलाफ। सहारनपुर में मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन रक्षक के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि नागल बस स्टैंड के पास लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अप्लाई और का निर्माण होना चाहिए। इसके अलावा देवबंद गबनौली शुगर मिल से गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, जल्द ही किसानों का भुगतान कराया जाए। हमारे नागल में फ्लाईओवर नहीं है, जहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक दिन वहां 6 आदमी मरे कुचल गए और रोज एक दो दुर्घटना डेली हो रही है। नंबर दो शुगर आपका बजाज शुगर मिल जो है वो किसानों का पेमेंट नहीं दे रहा है गांडोली, उसके पेमेंट के बारे में लिखा हमने।
दूसरा तीसरा यह है कि पशु फिर रहे हैं हमारा, उनके बारे में लिखा है। चौथा यह है हमारे यहाँ बिजली बहुत कम आ रही है, हमारा कृषि बेटर है, वो कृषि बेटर नहीं बना जा रहा है, उस कृषि बेटर हम बनवा के रहेंगे। अगर ये हमारे चार पांच काम नहीं होते हैं तो हम कभी भी अगले महीने में हम धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे।